आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो ज़मीन पे पड़ा हुआ बेल लता दिखा रहा हूँ, यह बहुत ही कमाल की औषधि है। आप इसे कहीं ना कहीं देखे होंगे क्योंकि यह बरसात के मौसम में स्वतः ही अपने आप उग जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग इसे कई बार देखे होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे, मगर इसके औषधीय गुण अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आज कंप्लीट देखते रहिए। मैं आप लोगों को सभी औषधीय गुण बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप इस बेल लता को देखिए और पहचानिए। इसके जो फूल होते हैं वो पीले कलर का आता है, छोटा छोटा, और यह ज़मीन पे पाया जाता है। और इसकी बेल लता में छोटी छोटी इसके जो कांटे होते हैं वह होते हैं, लेकिन ज़्यादा यह चुभने वाली कांटे नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इसका फल जो है छोटा छोटा होता है और कच्चा अवस्था में यह हरा होता है और पकने के बाद पीला हो जाता है। तो इस तरह से इसके फल छोटे होते हैं और इसके फल में भी इसके छोटे छोटे भूरे भूरे रेशे होते हैं। दोस्तों पहचान लीजिए, मेरे ख्याल से आप लोग इसको पहचान लिए होंगे। इसे इंद्रायन कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम भी बता दे रहा हूँ, इसे इंद्रायन कहा जाता है। और यह तीन प्रकार का होता है, इसकी प्रजाति तीन प्रकार की होती है। एक लाल इंद्रायन होता है और एक बड़ी इंद्रायन और एक छोटी इंद्रायन। तो इस तरह से ये तीनों प्रजातियों में से यह एक प्रजाति है दोस्तों। मैं आगे आप लोगों को इसके गुणधर्म बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस बेल लता को हमारे छत्तीसगढ़ में बुदेला कहा जाता है, बुदेला का बेल लता बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जो लोग रहने वाले होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि इसे बुदेला कहा जाता है। तो इस बुदेला के बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधीय गुण होते हैं और इसके बहुत ही खास अचूक प्रयोग भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को उसी प्रयोग को बताने वाला हूँ, तो आप बने रहें वीडियो में। दोस्तों इसका जो कच्चा फल होता है, इसको यदि तोड़ करके चख करके खा करके देखोगे तो खीरा का जैसा स्वाद लगता है और पकने के बाद इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो आपने कभी ना कभी इसको खा करके देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं देखे हैं तो खा करके देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं खाया जाता क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट में मरोड़ पैदा होता है और पेट में थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है। दोस्तों यह कब्जनाशक है, यह वीर्यवर्धक भी है और प्रमेह को दूर करने वाला होता है। यह कुष्ठ रोग यानी कोण को भी मिटाता है, यह बुखार को भी उतारता है, यह गठिया बात में भी काम आता है। इसकी जो जड़ है वह स्तन कैंसर के रोगियों के लिए अचूक औषधि है और इसके जो बीज होते हैं वह बालों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि भी है। तो आप बने रहें वीडियो में, मैं आपको एक एक चीज़ बारी बारी से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो इंद्रायण का फल देख रहे हो, जिसे बुदेला हम लोग कहते हैं, तो इसके जो अंदर में गिरी होता है, बीज होता है, वह कमाल की औषधि है, एक चमत्कार की तरह कार्य करता है। आप कभी फुर्सत मिले तो आप इसे करके देखिएगा, आपको भी अवश्य फ़ायदा मिलेगा और आपको भी चमत्कार लगेगा। इसका जो अंदर का बीज होता है, गिरी होता है छोटा छोटा, उस गिरी को निकाल लीजिए, अलग से सुखा लीजिए और सूखने के बाद इसके जो पाउडर बनेगा उस पाउडर को नारियल के तेल में अच्छे से पका लीजिए, पूरी तरह से उसको जलने तक पका लीजिए। जब पूरी तरह से जल करके पक जाए और वह पूरी तरह से काला हो जाए पाउडर, तब उसको छान करके आप शीशी में रख लीजिए और इस तेल को आप किसी के भी बाल में लगा सकते हो और असर देख सकते हो। इस तेल को लगाने से सर के जो बाल होते हैं, जो झड़ रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं या फिर असमय सफ़ेद होने लगते हैं, उन सभी समस्याओं को दूर कर देता है यह तेल, बहुत ही अच्छी है बालों के लिए। दोस्तों इस इंद्रायण के फल से मैं आप लोगों को कब्ज दूर करने का एक बहुत ही रामबाण अचूक तरीका बता रहा हूँ। आप एक कच्चे फल को देख रहे हो, इस कच्चे फल को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद छोटे छोटे काट लीजिए और शाम के टाइम आप इसे उबाल लीजिए और ऐसा उबालिए कि आप पूरी तरह से पानी में गल जाए और इतना पानी में उबालिए जितना पानी आप पी सकते हो। तो उबालने के बाद या पूरी तरह से जब पानी में खौलते हुए गल जाए और गलने के बाद पूरी तरह से आपको लगे कि यह पूरी तरह से गल चुका है, पानी में मिल चुका है, तो आप उसे उतार करके छान लीजिए और उस पानी में आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए और नींबू का रस डालने के बाद उसे रात को सोते टाइम पी करके सो जाइए। सुबह आपका पेट पूरी तरह से साफ मिलेगा आपको और आपका जो भी कब्ज की समस्या रहेगी, बहुत पुराना भी कब्ज होगा तो वह भी टूट जाएगा। एक दो प्रयोग करने पर ही आपको पूरी तरह से पेट की जो समस्या है कब्ज वाली, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों ये जो इंद्रायण का फल देख रहे हो, इस फल को यदि तोड़ोगे तो अंदर में इसका बीज है, गिरी है, उस बीज को आप इकट्ठा करके सुखा लीजिए और सुखाने के बाद उसे पाउडर कर लीजिए कम से कम 50 ग्राम की मात्रा में
और 50 ग्राम में दोस्तों आप 3 चम्मच लहसुन का रस मिलाइए और 3 चम्मच अदरक का रस मिलाइए। 50 ग्राम गिरी में आप 3 चम्मच लहसुन का रस और 3 चम्मच अदरक का रस मिलाने के बाद किसी कटोरी में रख के मिला लीजिए और उसको मिलाने के बाद आप उसे धूप में सूखने दीजिए। सूर्य की किरण उसमें पड़ेगा तो वह पूरी तरह से उसमें अवशोषित होगा और सूख जाएगा और तीनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे। जब यह सूर्य की किरण से पूरी तरह से सूख जाए, छाया में नहीं सुखाना है, धूप में सुखाना है, तो धूप में सूखने के बाद वह फिर से पाउडर की भांति हो जाएगा। तो उसमें आपको शहद मिलानी है थोड़ी सी, जितने में वह गोली बन जाए, और शहद मिला करके उसे गोली बना लीजिए 1-1 ग्राम की मात्रा में। अब इस गोली को आप 2-2 गोली की मात्रा में, जो गठिया के रोगी होते हैं, साइटिका के रोगी होते हैं, जिनका जॉइंट में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जहाँ कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, ऐसे व्यक्ति को आप इसके 2-2 गोली सुबह शाम दे सकते हो। इस तरह से खिलाने पर आपको 1 हफ्ता के अंदर चमत्कार देखने को मिलेगा। किसी किसी को बहुत जल्द असर हो जाता है, जो शुरुआती दौर में रहते हैं उनको तो 2-3 दिन में भी असर दिख जाता है, और जो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर रहते हैं उनको 1 सप्ताह से 10 दिन लग जाता है असर दिखने में। तो आप इस तरह से गोली बना करके उनको सुबह शाम खिला सकते हैं पानी के साथ, और पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप किसी भी प्रकार के दर्द के रोगी को देते हैं तो उनके दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह गोली। तो आप इस तरह से बना करके उनको दे सकते हैं और उनको दर्द से मुक्ति दिला सकते हो। इसकी जड़ को उखाड़ करके आप पाउडर करके रख सकते हो, यह भी कमाल की औषधि है। जो स्तन कैंसर होते हैं उनके लिए यह अचूक औषधि है, और स्तनों की जो गांठ होता है या फिर सूजन होता है उसको मिटाने के लिए तो ख़ास दवा ही है। तो आप स्तन के किसी भी प्रकार के जो सूजन दर्द होता है उसको दूर करने के लिए इस इंद्रायन का जो जड़ है उस जड़ को पाउडर करके लेप करके प्रयोग कर सकते हो। स्तन के सभी प्रकार के जो दर्द होते हैं, सभी प्रकार के सूजन होते हैं, उनको मिटाने के लिए इंद्रायन का जड़ बहुत ही खास है, बहुत ही अचूक औषधि है। दोस्तों, इस इंद्रायन के बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधीय गुणधर्म हैं, आयुर्वेद शास्त्र ने इसकी बहुत ही प्रशंसा की है। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वीडियो लंबा होता है तो हमारा बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खास जानकारी बताइए और वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए। इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताया है, आप इन्हें आजमा करके प्रयोग करके देख सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार।